जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आ गई आपके सामने सुंदरकांड लेके, जिसमें कि एक एक दोहे की एक एक चौपाइयों के का अर्थ मैं आप सबको सुना रही हूँ। हमारे हो गए हैं 51 भाग, 52 भाग। अब सुनिए और सुनाइए सबको। रामचंद्र जी, आप सब पर बहुत कृपा करें, आपके घरों में सुख शांति समृद्धि सब कुछ दे। उपाई करिए देव जो होई सहाय, मंत्र नये लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुने अति दुख भापावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी से कहा कि अच्छा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। क्या बता रहे थे ना कि समुद्र जी से प्रार्थना करी जाए, यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव करे कवन भरोसा, सो सिय सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन कहूं एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। क्या कहा कि मतलब मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा ना लक्ष्मण जी को, इसलिए तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने वाला उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं, बोल रहे आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनते बेहसे बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा, अस कहे तब अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, यानी कि श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। समझा रहे लक्ष्मण जी, तो तुरंत ही गुस्से में आ जाते हैं ना हर बात को लेके। ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो, ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए, यानी कि उनके पास गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरोनाई, बैठे पुण्य तट दर्ब दसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को पहले सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर, जो घास जैसी होती है ना उसे कुश बोलते हैं ना, तो कुश बिछाकर बैठ गए। थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। जब विभीषण जी वहां से लंका से आए ना, तो रावण ने क्या किया, उनके पीछे दूत भेजे। देखो क्या करता है क्या नहीं करता है ये। सकल चरित्र तने देखे, धर कपट कप दे, प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत पर ने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी।
जो दूत भेजे थे तो उन्होंने क्या किया, बांदरों का यानी बंदरों का रूप धारण कर लिया और सारी लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। अब हमारे हुए 52 भाग। जय सियाराम। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में कुछ भी लिखिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सियाराम लिखिए जरूर। जय सियाराम।